हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले पापा। आई एम धनंजय। जितने भी स्टूडेंट्स जो हाल ही में एसएससी टेनो सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू जेई जूनियर नीट ट्रांसलेटर के थ्रू किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आप ध्यान रखो कि अगर आपको मिनिस्ट्री में पोस्टिंग मिली, अगर आप नियर बाई डेली पोस्टिंग अगर आपको मिल रही है, तो आप जैसे ही ज्वाइन करोगे उसके तुरंत बाद आपको ई संपदा पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि ई संपदा जो है वो आपको गवर्नमेंट अकोमोडेज मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर्स जो है वो आपको वहां से अलॉट होते हैं। ठीक है, तो आप जिस भी क्वार्टर्स के लिए एलिजिबल उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर उसके ऊपर के चाहते हो तो वहां पर भी आपका ऑप्शन आता है। तो जैसे ही क्वार्टर खाली होता है तुरंत आपको एलोकेट हो जाता है, क्योंकि ई संपदा पोर्टल जो है दिसंबर 2020 में बनाया गया है, ये जो ट्रांसपेरेंसी आपका जो क्वार्टर्स वगैरह में रखने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि थोड़ा जुगाड़ वगैरह करके ऑफलाइन जो होता था जुगाड़ वगैरह करके लोगों को मिल जाता था, लेकिन ट्रांसपेरेंसी हो इस वजह से अब क्या पूरा प्रोसीजर जो है वो आपको ऑनलाइन कर दिया। लेकिन अब ये कुछ जगह पे है, बाकी जगह पे नहीं है, धीरे धीरे किया जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी ध्यान रखें कि ई संपदा पोर्टल पे जरूर से जरूर रजिस्ट्रेशन कर ले। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, वो लाल वाला बटन दबा दे, और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो सरकारी नौकरी वाले बाबा इंस्टाग्राम पे सर्च करके पूछ सकते हो, बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया।